हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनू और आपका स्वागत है द क्राफ्ट कर देखिए एक नए वीडियो में। और मैं आपको बता दूं कि इस नए वीडियो तो इसको नहीं कह सकते क्योंकि जो क्राफ्ट आपके सामने मैं लेके हाजिर हूँ ये एक पुराना क्राफ्ट है और लगभग मैंने एक साल पहले बनाया था और सामने ही रखा हुआ आपके सामने। तो एक बार मैं आपको दिखा दूँ, हालाँकि मैंने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि ये है वो क्राफ्ट योगा स्केचर। तो सबसे पहली बात तो ये कि कुछ कमियाँ हैं इस क्राफ्ट को, जब आप वीडियो देख कर बनाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। पहली बात तो ये कि वाइट सीमेंट के साथ मैंने इसमें काम किया है तो वो थोड़ा सा दिक्कत करेगा आपको और छोटे बच्चों के लिए वाइट सीमेंट से डायरेक्टली हाथ से काम करना मुश्किल। तो मेरी सजेशन ये है कि अगर आप वाइट सीमेंट से काम करें भी तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें, और नहीं तो आप इस मोल्डेड का इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्ट क्ले। और किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है तो ऑलरेडी मैंने कुछ स्कल्पचर बनाए हैं हाल ही में जिसकी फोटो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और दूसरी बात जो मैं कह रहा था वो ईमानदारी के साथ मैं कहना चाहूँगा, जो रिस्पॉन्स मुझे उम्मीद था इस क्राफ्ट से तो वो रिस्पॉन्स मुझे मिला नहीं था उस समय, और अब उम्मीद है कि अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। कई सारे इसमें फैक्टर काम करते हैं, पहली बात तो एक तो शायद व्यूअर को पसंद ही ना आया हो, एक ये कारण हो सकता है। सेकंड ये हो सकता है कि शायद एल्गोरिथम उस हिसाब से का यूट्यूब का जिस तरह से काम करता है हमें नहीं पता, लेकिन होता है क्योंकि मैंने कई सारे क्राफ्ट जो मेरे उतने अच्छे नहीं हैं एवरेज हैं उसमें भी काफ़ी अच्छे खासे व्यू आए हैं। और पड़ोसी शोर, आपको पता है कि बहुत जल्द वर्ल्ड योगा डे आने वाला है जो कि इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है। तो साथ ही ये भी कहना है कि योगा दिवस जो है इसको सिर्फ मनाएं नहीं, योगा दिवस आप योगा करें और हेल्दी रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो।